नमस्कार किसान भाइयों, आज आप जो पौधा देख रहे हैं ये सदाबहार कागजी लेमन का पौधा है। तो ये जो पौधा है देखिए बड़ा पैकेट में दिया हुआ है और इसका जो एज है लगभग एक साल का पौधा है। ये एक साल नहीं, आठ महीने का से एक साल का पौधा है। तो ये जो है सदाबहार मतलब 12 महीना फ्रूटिंग देता है। और ये जो पौधा है देखिए इतना छोटा पौधा में कितना अच्छा फ्रूटिंग है। तो ये जो पौधा है इसमें क्या क्या ये जो वैरायटी है कागजी का वैरायटी है। ये जो लेमन होता है देखिए लगभग 30-35 ग्राम का आता है, छोटा छोटा लेमन होता है और इसका अंदर भरपूर रस रहता है। आप लोगों को पता होगा जो ऑल इंडिया में जो चलता है छोटा छोटा लेमन होता है उसका डिमांड ज़्यादा रहता है। तो आप जो देख रहे हैं ये जो है 12 महीना कंटिन्यू रहता है। तो देखिए आप पूरा पौधा आप देख लीजिए, जो है बड़ा पैकेट का है और बड़ा पैकेट का जो पौधा है इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग है। देखिए इधर पूरा जो है बड़ा पैकेट का पौधा आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ये जो पौधा है इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब कुछ चालू है। तो ये जो है अभी भी मैच्योर नहीं हुआ पर मैच्योर होगा, पीला पीला हो रहा है, पूरा पीला हो जाएगा जब भी मैच्योर हो जाएगा। ये देखिए छोटा फ्रूट भी है इसमें, इसमें फ्लावरिंग भी था, बारिश का वजह से सब टूट गया। तो ये देखिए ये जो है इससे और थोड़ा छोटा पैकेट का है। तो इसमें देखिए इसमें पूरा फ्लावरिंग कंटिन्यू हो गया, देख लीजिए इसमें पूरा फ्लावरिंग चालू हो गया। देखिए हर डाल में 10-15 करके फ्लावरिंग इसमें है। और ये देखिए सभी कलियाँ भी आ रहा है। ये जो है इधर देखिए फ्लावरिंग से फ्रूटिंग हो गया है। ये देखिए ये भी पूरा गुच्छी में बहुत बहुत तरह आता है। तो देखिए पूरा ये जो सभी डाली में जितना डाल है इसमें डाली है सभी डाली में फ्लावरिंग कंटिन्यू हो गया। तो देख लीजिए आप पूरा फ्लावरिंग बहुत अच्छा फ्लावरिंग आ गया है। तो ये भी देख लीजिए ये जो है पूरा फ्रूट आ गया है, ये देख लीजिए आप। इसमें क्या क्या मेडिसिन देना पड़ता है उसके बारे में भी, आप टेरिस गार्डन या फिर छोटा आपका घर में छोटा गार्डन भी करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हैं, आपका जो पौधा है उसमें फल नहीं आ रहा है फूल नहीं आ रहा है उसके बारे में भी हम लोग यही चैनल में डिस्कस करते रहेंगे। ये जो पौधा है कागजी सदाबहार पौधा है, कागजी लेमन का है, इसका रिक्वायरमेंट रहता तो कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो है 12 महीना कंटिन्यू रहता है फ्रूटिंग। और ये जो फ्रूटिंग होता है ऐसा ही होता है, पूरा जो पेड़ होता है पूरा पेड़ भरा हुआ रहता है फ्लावर फ्रूटिंग से। इसका जो मेरा मदर प्लांट सेटअप है उसका भी वीडियो हम दिया था, उसका वीडियो देखना है तो आप आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। या फिर मेरा चैनल का अंदर जाके भी मेरा मदर प्लांट सेटअप का वीडियो देख सकते हैं। ये जो है वही मदर प्लांट से हम लोग गुट्टी डाल के काट करके इसे भी पैकेट में डालते हैं। तो देखिए वही मदर प्लांट का ही सब प्लांट है। तो देखिए कितना अच्छा वैरायटी है और इसमें कितना अच्छा फ्रूटिंग आता है। ये जब भी आप लगाएंगे तब भी एक साल बाद से के पौधा से 20 किलो तक फ्रूटिंग आसानी से आप ले पाएंगे। दो साल बाद से मैच्योर हो जाता है तब भी अच्छा फ्रूटिंग देने का चालू हो जाता है। आप सीडलेस मतलब आप फार्मिंग करना चाहते आप कॉमर्शियली फार्मिंग करना चाहते तो आप दो वैरायटी के ऊपर काम कर सकते हैं। एक जो कागजी होता है सदाबहार कागजी लेमन होता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं या फिर सीडलेस लेमन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और आपका छोटा मोटा गार्डन घर में बनाना है वो भी आप ये दो वैरायटी डेफिनेटली रख दीजिए, क्योंकि ये दो वैरायटी में बहुत अच्छा फ्रूटिंग आता है। और जब भी देखिए ये जो प्लांट है अब देखिए आपका घर का सामने रहता तो कितना अच्छा लुक आ जाएगा आपका घर का सामने। देखिए ये जो पौधा है पूरा फूल और फल से भरा हुआ है, इसलिए देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो आप देख लीजिए इसका रिक्वायरमेंट रहता तो कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको।
और इसमें कितना अच्छा फ्रूटिंग आता है, क्या चीज़ देना पड़ता है, क्या मेडिसिन देना पड़ता है, उसका बारे में भी नेक्स्ट में हम बात करेंगे। टॉप में भी लगा सकते हैं आप ये सभी पौधा। टॉप में लगाने के लिए कैसा प्रोसीड्योर होता है उसका बारे में भी नेक्स्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ जुड़ी रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो उसका भी वीडियो नेक्स्ट में हम लाएंगे और उसका वीडियो आपको पास मिल जाएगा, आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा इसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।